चंपक वन में पीलू नाम की चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा था। उसका नाम गोलू था। पीलू स्वभाव से बहुत ही कंजूस चिड़िया थी। गोलू पढ़ लिख के विदेश गया और वहाँ पर एक बड़े से सेठ कड़क के यहाँ काम करने लगा। गोलू एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया। बेटे को घर आया देख पीलू बहुत खुश होती है। बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की देख दूँ। माँ, वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की, जरा मुझे भी तो बता। माँ, वही मेरे बचपन की दोस्त लवली। अरे लवली, वो तो बहुत गरीब है, उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं दे पाएंगे। तेरी परवरिश में, तेरी पढ़ाई लिखाई में, तेरे विदेश रहने में जो पैसा खर्च हुआ है वो दहेज से ही तो वसूल होगा। माँ, हमें दहेज क्यों चाहिए, हमें पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। लेकिन बेटा, तेरी शादी में खर्च तो बहुत होगा ना। माँ, मैं नहीं जानता, मैं तो शादी लवली से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों बाद गोलू और लवली की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन पीलू लवली को बुला कर कहती है, बहू, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, अब हम घर का काम मिल बांट के करेंगे। बेकार में नौकरों को पैसा देने की क्या जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है, चल जाके पहले एक कप चाय बना के दे। लवली रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन देखती है कि गैस खत्म हो गई है। लवली अपनी सास के पास जाके कहती है, माँ जी, गैस खत्म हो गई है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं। रहने दे बहू, वैसे भी गर्मी बहुत है, मत बना चाय। लेकिन माँ जी, गैस नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे। कोई बात नहीं बहू, चिंता मत कर, शादी की बहुत सारी पूड़ियां और सब्जी बच गई है, मैंने उसे फ्रिज में रख दी हूँ, हम वही खाएंगे। हफ्ते भर तो वो चलेगी ही। अपनी सास की कंजूसी देख कर लवली हक्का बक्का रह जाती है। लवली अपने पति के पास जाती है, गोलू, तुम्हारी माँ कितनी ज्यादा कंजूस है, भगवान ही बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस औरत नहीं देखी। क्यों, क्या हो गया। तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई सब्जी और पूड़ियाँ फ्रिज में रख दी हैं और उन्हें एक हफ्ते तक खाने के लिए कह रही हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम जाओ और अपनी माँ को समझाओ। ये सुनकर गोलू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अगर गैस खत्म हो गई है तो मैं नया सिलेंडर ले आता हूँ, बासी खाना खाने की क्या जरूरत है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारी उम्र तो देखो। अरे बेटा, शादी में इतना पैसा खर्च हुआ है, गैस सिलेंडर ला के और पैसा क्यों खर्च करना, जब घर में खाना है तो घर का खाना खाना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। पर माँ, वो बासी खाना है। अरे मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही हूँ तुम लोगों से, तुम्हारा मन है तो तुम लोग बाहर खाना खा लो, लेकिन याद रखना उसमें भी बहुत पैसे खर्च होंगे, ऐसे अनाज फेंकने से क्या फायदा। मैं तो बस बहू को समझा रही थी, अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है तो तुम लोग के जो मन में आए करो। पीलू की जिद के आगे बेटे और बहू को झुकना पड़ता है और वे लोग बासी खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर लवली की तबीयत खराब हो ही जाती है, उसे उल्टियां होने लगती है। गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलने ही वाला होता है। अरे बेटा, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, लगता है बहू माँ बनने वाली है। गोलू फिर से गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो डॉक्टर को बुला के ही रहूंगा, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बनाई है, अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को घर लेके आता है। बुलबुल डॉक्टर लवली का चेकअप करता है और कहता है, गोलू जी, आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। गोलू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैं कहता था ना, तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बनाएगी, अगर समय रहते डॉक्टर साहब नहीं आते तो क्या होता, जरा सोचो। ये सुनकर पीलू शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी कंजूसी के कारण तेरी जान पे बनाई। नहीं माँ जी, आप माफी नहीं मांगिए, लेकिन वादा कीजिए कि अब से जो जरूरी होगा उस पे खर्च जरूर करेंगी, अब कंजूसी नहीं करेंगी। ऐसा सुनकर पीलू खुश हो जाती है और अपनी बहू को गले लगाती है। अपने बच्चे और बहू के साथ सही व्यवहार करती है, कंजूसी छोड़ देती है। गोलू अपनी माँ और पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। अब वो खुशी खुशी रहते हैं। हमेशा की तरह बबलू और पीलू चिड़िया बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। पीलू
आखिर कब तक हम लोग इसी तरह बगीचे में मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं कल तुम्हें अपने घर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। पर बबलू, मेरी शादी कौन कराएगा? मेरे माता पिता तो हैं नहीं, मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? पीलू, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी माँ बहुत समझदार हैं, वो मुझे बहुत चाहती हैं, वो जरूर तुम्हें अपनाएंगी। अगले दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पीलू को देखकर बबलू का भाई उससे पूछता है, भैया ये चिड़िया कौन है, इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे घर में क्यों लाया है? माँ, ये पीलू है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अनाथ आश्रम में पली भड़ी हूँ, मेरा बबलू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबलू की माँ भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा तू पागल हो गया है क्या, जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरी शादी तो किसी ऊंचे खानदान में होगी, बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है, थोड़ा सोचो तो सही, इस अनाथ से शादी करके क्या तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे? भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी शादी में भी परेशानी होगी। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया से छुपकर मंदिर में शादी कर लेता है। बबलू शादी करने के बाद पीलू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुझे ये अनाथ ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी बबलू का भाई वहाँ आता है और अपनी माँ को कमरे में लेके जाता है। माँ, अब रोने धोने का क्या फायदा, भैया ने तो शादी कर ही ली है, अब हमें इस मनहूस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पहले इस पीलू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। बबलू की माँ पीलू से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो एक बार पीलू को अपने पास बुलाती है। पीलू, मैंने तुझे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लिया है, मुझे तू माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद पीलू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पीलू चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि जब शाम में बबलू आएगा तो सबसे पहले वो उसी को ये खुशखबरी देगी। बबलू शाम में घर लौटता है तो पीलू चिड़िया उसे ये खुशखबरी देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अगले दिन बबलू अपने किसी काम से जंगल से बाहर चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई माँ से कहता है, माँ भैया बाहर हैं, इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें पीलू चिड़िया सुन लेती है और रात में जब माँ बेटा सो जाते हैं तो पीलू चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बबलू कबूतर घर वापस आता है, देखा बेटा, मैं कहती थी ना इसी अनाथ लड़की से शादी मत कर, देख वो कैसे घर से भाग गई है। एक दिन बबलू कबूतर नदी किनारे बैठा रहता है, वो बहुत दुखी होता है। उड़कर वो उस बगीचे में जाता है जहाँ वो पीलू चिड़िया से मिला करता था। तभी पीलू चिड़िया वहाँ पहुँचती है और बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से और अपने भाई से ये सवाल करता है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो क्या वे उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर बबलू की माँ और उसका भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। वो लोग अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से
कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रखरखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है, तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अथू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डर कर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, मैं इनको कड़क की नज़र में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं, तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। आतू तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है, आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे। ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे, ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ, हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं, तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है। बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन
उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ, वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ, ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। तुम सही कह रही हो, अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, मुझे अपनी परेशानी बताओ। कालू भैया क्या बताऊं, जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते, हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है, अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए, मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है, वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुरा कर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है, वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं, इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं, सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है। रात का समय था, पिंकी लोमड़ी और चिंकू बंदर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। वहीं उनके पापा टिंकू सियार अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। वहीं पिंकू और चिंकू की मम्मी चंपा नीलगाय रसोई में सबका खाना खाने के बाद बर्तन धुल रही थी और बाकी बचा खाना फ्रिज में रख रही थी। काम होने के बाद वो हॉल में आती है और सबसे कहती है, अरे बच्चों तुम अभी तक सोए नहीं, चलो चलो अपने कमरे में जाओ और जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना, चलो। मम्मी फिल्म बस खत्म होने वाली है, देखने दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, चलो अंदर जाओ, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी प्लीज आप जाकर सो जाओ ना, हमें तो अभी फिल्म देखनी है, ये स्पाइडर मैन की फिल्म पहली बार आ रही है टीवी पर। चंपा ने फिर टिंकू से कहा, अजी आप भी सो जाइए ना, सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है, और इन बच्चों को भी कहिए कि ये सो जाएंगे, 24 घंटे बस टीवी में लगे रहते हैं। तुम सो जाओ चंपा, मुझे तो अभी बहुत काम है, और बच्चों को देखने दो ना उनकी मूवी, एक तो इतने दिनों बाद आ रही है। अच्छा सभी बिजी हैं, बस मैं ही वेली हूँ, ठीक है मैं तो उल्लू की तरह जाग नहीं सकती, मैं तो चली सोने। चंपा ऐसा कहकर सोने के लिए चली जाती है, तभी टिंकू अपने बच्चों से कहता है, बच्चों चलो काम पर लगते हैं, तुम्हारी मम्मी सोने चली गई, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, चलो। हाँ पापा हमें तो अभी बलून भी फुलाने हैं और घर की सजावट भी करनी है, चलो चिंकू। पिंकी देखती है कि चिंकू तो सो चुका है, वो इसको हिलाती है पर चिंकू फिर भी नहीं जागता। फिर पिंकी उसके मुंह के ऊपर कुछ पानी की बूंदे छिड़कती है जिससे चिंकू होश में आता है। अरे मेरी नींद खराब कर दी, अच्छा खासा सपना देख रहा था,
स्पाइडरमैन से भी मेरी मुलाकात होने वाली थी। सपना बाद में देखना चिंकू, पहले चलकर बलून फुलाते हैं और घर की सजावट करते हैं। तू भूल गया, मम्मी का जन्मदिन है। लो बच्चों, मैं बलून ले आया, चलो। सभी मिलकर बलून फुलाते हैं और फिर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा वो डिलीवरी वाला आता ही होगा, अगर उसने घंटी बजा दी तो मम्मी जाग जाएगी और हमारा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। चलो पहले केक ही ले लेते हैं। टिंकू अपने पर्स से पैसे निकाल कर घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि सामने डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? मैं बस अभी घंटी बजाने ही वाला था। इसलिए तो कि तुम घंटी ना बजा सको हमने ये दरवाजा खोल दिया। लो ये रहे तुम्हारे पैसे। डिलीवरी बॉय टिंकू को केक देकर और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी, ये केक फ्रिज में रख दो और चिंकू चलो अपना अधूरा छूटा काम पूरा करते हैं। सभी मिलकर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा 12 बजने में 1 मिनट है, जल्दी चलो मम्मी को उठा देते हैं। हाँ चलो। सभी केक लेकर मम्मी के कमरे में जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुनकर मम्मी नींद से जाग जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें याद था कि मेरा जन्मदिन है? और क्या मम्मी, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, हम आपका जन्मदिन भी नहीं याद रख सकते। मम्मी बच्चों को गले लगा लेती है और फिर टिंकू कहता है, अरे भाग्यवान केक भी काटो और चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिंकू और बच्चे मम्मी को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने वो सजावट की थी, जिसे देख मम्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर केक काटती है और एक एक करके अपने बच्चों और पति का मुंह मीठा करवाती है। मम्मी आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज बच्चों? कल नाना नानी भी आ रहे हैं आपका जन्मदिन मनाने। सच में? अरे बच्चों, तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ये बात बतानी थोड़ी थी, ये तो राज रखनी थी। कल जब नाना नानी आते तब मम्मी को देखते कितनी खुश हो जाती। अब बता दिया तो बता दिया, जाने दो ना। अगले दिन मम्मी के माँ बापा भी गांव से आ जाते हैं और मम्मी उनके साथ अपना पूरा दिन बिताती है और इस बार का जन्मदिन बहुत ही खुशहाली से मनाती है। बहुत समय पहले की बात है, चिंटू नाम का एक खरगोश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चिंटू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे, वो जैसे तैसे चिंटू को पढ़ा रहे थे। चिंटू 3री क्लास में पढ़ता था, उसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था, साथ ही उसको रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी किसी के पास नई पेंसिल या रबड़ देखता तो उसका मन वैसी ही चीज लेने का करता और वो अपनी मम्मी पापा से वैसी ही पेंसिल लेने की जिद करता। पापा पापा मुझे एक नई पेंसिल लेकर दो ना। राहुल के पास आज मैंने एक हरे रंग की पेंसिल देखी, मुझे भी वैसी ही पेंसिल चाहिए, दिलवाओ ना पापा। बेटे, राहुल के पापा का अपना काम है, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ, मैं तुझे रोहन की जैसी महंगी महंगी पेंसिल नहीं दिला सकता। तेरे पास जो है तुझे उसी से काम करना होगा। लेकिन पापा मेरा बहुत मन है। बेटे चिंटू समझा करो, पापा की सैलरी ज्यादा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे स्कूल की फीस का समय आ गया है, हमें वो भी तो देनी है। चिंटू समझ जाता है और उसके बाद से कभी जिद नहीं करता, लेकिन उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश थी कि उसको एक दिन रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ जरूर मिलेगी। ऐसे ही एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ पड़ी दिखाई दी। उन्हें देख चिंटू के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल और रबड़ है, ऐसा कहकर उसने सभी को उठा लिया। इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये किसकी है? चिंटू ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वो पेंसिल और रबड़ अपने बैग में रख ली और उन्हें लेकर अपने घर आ गया और उनसे अपना होमवर्क करने लगा कि तभी चिंटू की मम्मी उसके पास आई और उसने जब चिंटू के हाथ में वो पेंसिल रबड़ देखी तो उससे पूछा, चिंटू ये पेंसिल रबड़ तुम्हें कहाँ से मिले, किसके हैं ये? मैंने पहले तो तुम्हारे पास ये नहीं देखी। पता नहीं मम्मी किसके हैं, मुझे तो स्कूल से आते समय सड़क पर मिले, जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। तभी चिंटू के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा हमें ऐसे ही किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, क्या पता किसी से गिर गए हो, तुम कल स्कूल जाना और प्रिंसिपल को ये दे देना, जिसके भी होंगे वो इन्हें आकर ले जाएगा। चिंटू अगले दिन वो पेंसिल और रबड़ ले जाकर प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल असेंबली में एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिस किसी की भी 3 पेंसिल और 3 रबड़ कोई हो वो आकर ले जाए। वो पेंसिल और रबड़ मिंकू नाम के एक बंदर की थी, इसलिए वो उन्हें लेने प्रिंसिपल ऑफिस आता है, पर उसके मन में अब एक लालच जाग जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पेंसिल
और रबर मेरी हैं, पर मेरे तो 5 रबर और पेंसिल खोई थी, ये तो 3 ही हैं, बाकी की तो कहाँ है। 5 पेंसिल और रबर, पर चिंटू ने तो मुझे 3 पेंसिल और 3 रबर दी। रुको मैं अभी उससे पूछता हूँ। प्रिंसिपल चिंटू को अपने पास बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंटू बाकी के 2 पेंसिल और रबर कहाँ है। कौन सी 2 पेंसिल और रबर सर, मुझे तो जो मिला था मैंने आपको वो दे दिया। झूठ मत बोलो चिंटू, तुमने मेरी 2 पेंसिल और 2 रबर छुपा ली है ना। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मिंकू झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे तो 3 रबर और 3 पेंसिल ही मिली थी, और अगर मुझे चुराना या छुपाना होता तो मैं आने आपके पास लेकर क्यों आता। ये 3 रबर और पेंसिल भी अपने पास रख लेता ना सर। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मिंकू ये तुम्हारी पेंसिल और रबर नहीं है, ये किसी और की है, और क्योंकि अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया इसलिए मैं चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल और रबर इसको दे रहा हूँ। तुम्हारी 5 पेंसिल रबर जब मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिंसिपल वो पेंसिल रबर चिंटू को दे देते हैं, उसको उसकी ईमानदारी का फल मिलता है और वहीं मिंकू को उसके लालच की सजा। एक जंगल में बबलू पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए वहाँ पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में मेला लगा हुआ है लेकिन तुम एक भी दिन मुझे मेले में लेके नहीं गए, किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। अरे पीलू मुझे तो ऐसे समय नहीं मिलता, तू ही किसी दिन अकेले मेले चली जा। नहीं जी मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके सिवा मेले में नहीं जाना है। आप जब देखो पानीपुरी ही बनाते रहते हैं, ऐसा लगता है आपको सिर्फ पानीपुरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानीपुरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे अरे पीलू, अरे गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। पीलू और बबलू मेले में जाते हैं। वो देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अजी देखो इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है, तो तुमने क्यों नहीं यहाँ पर अपने पानीपुरी का ठेला लगाया। अरे पीलू मैं भी यहाँ पर अपना पानीपुरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है, इस मेले में किराया दे पाना मेरे बस की बात नहीं। चलो तुम मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें खरीदना हो खरीद लो। पीलू मेला घूमने लगती है, तभी बबलू की नजर पानी पूरी के एक ठेले पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और इसका रेट भी बहुत ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच के खा रहे हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि इसने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बबलू उस पानी पूरी वाले के पास जाता है। अरे भाई तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है, ऐसा क्या मिलाते हो अपनी पानी पूरी में। अरे ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, ये बनारस की प्रसिद्ध पानी पूरी है, इसका पानी आरओ के पानी से बनाता हूँ मैं, और देखो तरह तरह के फ्लेवर्स हैं इसमें। बंटी पैसे देकर पानी पूरी खरीदता है। जैसे ही वो पानी पूरी खाता है और सोचता है, अरे ये तो बनारस की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है, इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरे पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है, लेकिन इसको 50 रुपए दे रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन बबलू अपनी पानी पूरी का दाम बढ़ा देता है, 10 रुपए से 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले में एक पानी पूरी खाने के लिए आती है। अरे भाई कल तक तो तुम 10 रुपए में पानी पूरी बेच रहे थे, आज क्या हुआ 40 रुपए कर दिया। कल तक मेरी पानी पूरी का एक ही फ्लेवर होता था, अब ढेर सारे हैं। भाई तुम अपने फ्लेवर्स अपने पास रखो, तुम मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी, इतना लालच सही नहीं है। कुछ दिनों बाद बबलू के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। देखा आपने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षी अब पानी पूरी आपके यहाँ के नहीं खाते हैं। कल से ऐसा करो, पुराने ही रेट पर पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो पीलू। अगले दिन बबलू अपने पानी पूरी का रेट पुराना जैसा ही रख लेता है और वापस से पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। वो बहुत खुश होता है। बबलू अब पैसों का लालच नहीं करता और वो सोचता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हर इंसान को अपनी किस्मत में जो मिलता है उससे उसे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ
लेकिन हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ता रहे। ज्यादा लालच के चक्कर में रहेंगे तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। इसलिए मेहनत करना चाहिए ना कि लालच। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। बहुत समय पहले नंदन वन में पीलू और लवली नाम की दो बहनें रहा करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनें बड़ी हो गई और लवली की शादी एक अमीर पक्षी से होती है और पीलू की शादी एक गरीब पक्षी से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद लवली अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए आती है। पीलू उसको देखकर खुश हो जाती है। आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुम बताती तो मैं बबलू को लेने के लिए भेज देती। पीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दीदी, मेरे यहाँ एसी नहीं है और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है। मैं आपको हाथ से ही हवा कर देती हूँ। पीलू, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है। तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और एसी अपने घर में लगवा ले। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। पीलू, मैं तो सोची थी कि मैं तेरे घर 4 दिन रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं 1 दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। पीलू उसे खाना खिलाने के लिए किचन में लेके जाती है। चलो दीदी, अब खाना खा लो। लवली किचन में देखती है कि उसे जमीन में खाना परोसा गया है। पीलू, तुझे पता तो है मैं डाइनिंग टेबल में ही खाना खाती हूँ, मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाती। मेरे घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, तू मेरे कभी घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खा कर देखना कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल में खाना खाने का। पीलू, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तेरे जीजा जी से बबलू जी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं मैं, वहां ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। पीलू की बात सुनकर लवली हैरान हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कहती है, पीलू मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचना क्योंकि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, मैं तेरे जीजा जी से तेरे पति के काम के लिए बात करूंगी। इतना कहकर लवली अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद पीलू चिड़िया के पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब पीलू को कोई भी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से उन्हें एक शानदार घर भी मिलता है और एक हवाई मोटर भी मिलती है। पीलू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लवली का पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला, हवाई मोटर, एसी सब जब्त हो जाते हैं। इस बात का पता जब पीलू को चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अपनी बहन से मिलकर पीलू कहती है, दीदी जीजा जी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। पीलू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। पीलू मजाक छोड़ो, अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया के पति की मदद से लवली चिड़िया का पति जेल से रिहा हो जाता है। अब वे दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगते हैं।